चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई प्रॉब्लम बताओ। सब 13 तक क्लियर है पूरा आप लोग भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, सब लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आओ, सब लोग पढ़ो भाई, क्या करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 भेजा आप लोगों ने, क्वेश्चन बैठ गए ऐसा लग रहा है जैसे। चलो और हम बोलते हैं ना बैठने के पहले आप क्वेश्चन भेज दिया करिए। ना बोला जाए ना केवल उतना काम करो, ज्यादा नहीं। चलो 14 पे देखो, सरिता लिमिटेड और सविता लिमिटेड दो कंपनियां हैं। डिसाइडेड अमलगमेशन ऑन 31 मार्च 2014 एंड अ न्यू कंपनी सुनीता लिमिटेड वाज फॉर्म। दो कंपनियां हैं ठीक है ना, एक का नाम क्या है सरिता, दूसरे का नाम क्या है सविता, है ना। सरिता और सविता दोनों ऐड होकर क्या बन गई हैं ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ओल्ड कंपनियां दो हैं आपके पास ठीक है ना, एक कौन सी है सरिता लिमिटेड, दूसरी कौन सी है सविता लिमिटेड। आगे देखोगे बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों कंपनी को 31 मार्च का, कोई दिक्कत है इसमें। लिखा हुआ है सुनीता लिमिटेड इशूड रिक्विजिस्ट नंबर ऑफ इक्विटी सर ऑफ 100 ईच, जितने शेयर की रिक्वायरमेंट होगी उतने 100 रुपए वाले शेयर तू करेगी सुनीता लिमिटेड ठीक है। आगे देखोगे द ट्रांसफरर कंपनी एंड सुनीता लिमिटेड इशू 10% डिवेंचर फॉर द पेमेंट ऑफ 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर के पेमेंट के लिए 10% डिवेंचर का इशू किया जा रहा है। जन एंट्री पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है किसके बुक में, सुनीता लिमिटेड के, दोनों कंडीशन में, जब परचेज हो और जब मर्जर का मेथड हो ठीक है। स्टार्ट करो सब लोग, यहां पर आप ध्यान दोगे हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन नंबर 14 का। दो कंपनियां हैं यहां पर, सरिता लिमिटेड और सविता लिमिटेड, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बना ली जिसका नाम क्या था सुनीता लिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो यहां पर अगर टू लिक्विडेशन है, वन फॉर्मेशन है, लिक्विडेशन का नाम क्या है है, सबसे पहले आप कैलकुलेशन करें पीसी का। यहां पीसी के लिए बोला है मैं ऐसे पेमेंट कर रहे हैं, क्या आपको प्रीफरेंस शेयर दे रहा हूं, इक्विटी शेयर दे रहा हूं, या क्या प्रोवाइड करा रहा हूं, कुछ ऐसा लिखा है कैश प्रोवाइड करा रहा हूं। यहां पर बोला जितना रिक्वायरमेंट होगा पीसी में मैं उतना 100 रुपए वाला शेयर दूंगा, बात समझ में आ रही नहीं। अब ध्यान रखो ये कैसे पता चलेगा कि आपको 100 रुपए वाला शेयर कितने दिए जाए, ध्यान रखो जहां पर कोई मेथड फिक्स नहीं होता है आप क्या करते हो, कौन सा मेथड प्रिपेयर करते हो, नेट एसेट मेथड। तो लिखोगे यहां पर कैलकुलेशन आप पीसी में नेट एसेट मेथड नेम, आप देखोगे दोनों कंपनियों में लिखोगे यहां सरिता लिमिटेड और सविता लिमिटेड। देखो कि यहां पर सन्ड्री एसेट्स कितने की है, 25 लाख रुपए की है, यहां पर एसेट कितने की है 17 लाख रुपए, कोई दिक्कत की बात हो तो बता दो यहां तक। यहां पर कितने का है, यहां पर कितने का है, माइनस करोगे डिबेंचर कितने के हैं 8% के, माइनस करोगे ट्रेड पेबल कितने के हैं 2 लाख रुपए के, इसमें सरिता में सविता में कितने का डिवेंचर 2 लाख का है, 1 लाख का ट्रेड पेबल है। आप देखोगे यहां पीसी का पेमेंट कितना करना है आपको, परचेज कंसिडरेशन है सरिता में 19 लाख रुपए का, सविता में 14 लाख,
कोई दिक्कत की बात है यहां तक बताओ आप हमको। आगे देखोगे आपको नई कंपनी में एंट्री करनी है दोनों मेथड से, है ना, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ, ठीक है ना। तो चलिए फिर पीसी हो गया सबका, हो गया भाई, क्लियर है, आगे बढ़े हम। चलो फिर हेडिंग डालोगे सब लोग, इन दी बुक शॉप, किसकी बुक में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, सुनीता लिमिटेड, किस मेथड से, परचेज। कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक? अब आप ध्यान दोगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड है ना, कितने रुपए से, 19 लाख रुपए का एक, 14 लाख रुपए का दूसरा, टोटल कितना, 33 लाख। आपने टोटल बिजनेस कितने का परचेज किया, 33 लाख। देखोगे लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड 19 लाख का, और लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड कितने का, 14 लाख का। कोई दिक्कत की बात इसमें, नोट करते रहो, लिखते रहो स्पीड से, ऐसा कोई बच्चा नहीं बैठा है जिसको ना आ रहा हो, ठीक है। सब लोग ऑलरेडी चीजें पढ़ चुके। आगे देखोगे एसेट्स और लाइबिलिटी टेक ओवर करोगे आप, परचेज है, परचेज मेथड में तीन चीजें आप नहीं टेक ओवर करते हैं, पहला क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, और तीसरा कबाड़। कबाड़ का मतलब फिक्सीशियस, बात समझ में आ गई नहीं, बाकी सारी चीजें क्या करोगे आप, इस बच्चे को अभी तक नहीं भी समझ में आएगा, यहां से कोशिश करेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखोगे फिक्स एसेट चेक की हो 25,80,000 रुपए का, कैसे बेटा, 15 लाख रुपए का एक है और 10,80,000 रुपए का एक है, तो टोटल यहां पर कितना आ गया, 25,80,000 रुपए, ठीक है ना। 15 लाख रुपए का सरिता में है और 10,80,000 रुपए का सविता में है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्वेंट्री दोनों का ऐड कर लो, 4,26,750,000 की इन्वेंट्री हो गई आपकी दोनों ऐड करने के बाद, ठीक है ना। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं, 5,30,000 रुपए के हैं, 3,30,000 का सविता का है, 2 लाख का सविता का है। कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने का है, 3,40,000 रुपए का, यही बात आपको बताना चाह रहे, दोनों एसेट ऐड कर दी गई, इसकी सरिता की और सविता की। यहां तक कोई समस्या हो बताओ भाई, आगे बढ़े। आगे देखोगे डिवेंचर आप परचेज करें, कितने डिवेंचर परचेज कर रहे हो, दस परसेंट डिवेंचर है, कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए। देखोगे 4,01,000 प्लस फिर 3 लाख का ट्रेड पेबल, अभी ऊपर देखो एंट्री की हो, 2 लाख का एक का था और 1 लाख रुपए का। फिर बिजनेस परचेज कितने का किए हैं आप, दोनों ऐड किए हो बराबर आ गया, चेक करो तो दोनों ऐड किए हो बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो ना तो गुडविल आएगी ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि आप परचेज मेथड कर रहे हो, ना तो गुडविल आएगा ना तो कैपिटल रिजर्व आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अमाउंट क्या है, इक्वल, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या है, बराबर है। अब देखोगे तीसरी एंट्री जो हम लोग पास कर रहे हैं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व की, स्ट्रेटेजी रिजर्व के लिए आप पास करते हो, चेक करो स्ट्रेटेजी रिजर्व कितने का है, उसमें 2 रिजर्व दिया गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व दिया, नहीं दिया, तो दोनों को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एक रिजर्व है 3,30,000 रुपए के, का नाम क्या है, 3 लाख रुपए का,
2,50,000 है और 80,000 है, बोला करो तुम लोग बैठे हो शांति से। 3,30,000 रुपये आया यहाँ पर। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितने का है? 1,90,000 का है। कैसे आ रहा है 1,90,000 रुपये? 1,50,000 प्लस 40,000 रुपया। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप? एंट्री क्या पास किए हो आप? अमलगमेशन, एडजस्टमेंट, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, दोनों ऐड कर दियो कितना वैल्यू आ गया? फिर टू फॉरेन प्रोजेक्ट कोई दुख की बात यहां तक हो बता दें आप? प्रतिमा जी बताएं आप। हाँ, 5,20,000 आ गया जैसा कि आ रही है ना, ऐड और लेस तो कर लोगे ना। आगे बढ़ो। अब यहां पर देखो दोनों क्रेडिट थे ना, उठ के क्या हो गए? डेबिट हो गए। तो क्या लिखोगे यहां पर? यहां पर लिखोगे आप लिक्विडेटर ऑफ सुनीता लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, फिर सविता। सविता कंफ्यूज हो क्या? वो तो बहन है गीता एंड बबीता। उबे एंड छब्बे टू हो गए इक्विटी शेयर ऑफ, करेगा भाई सुनीता लिमिटेड कितने के? 35 लाख रुपए। लिख लो ये सब। तो भाई छोटा बड़ा बहुत डिफरेंस है, ये क्लास 11 की बात है, ये मैं यहाँ नहीं, आप नहीं पढ़े हैं, आपकी गलती। नहीं, ये दोनों स्टेशनरी रिजर्व है। ये क्या कर रहे हो आप? जब अमलगमेशन हो रहा था आप उसको लेके आ गए हो अपनी कंपनी में, इसके लिए एंट्री पास होती है। अब देखो पहली बार बताया जा रहा है क्या? अभी प्राची को प्रांजलि ने उस दिन इस पर इतना बहस किया था। ठीक है भाई, यहां तक कह रहे हैं इनको फिक्स एसेट नहीं पता है ना। गूगल करते हो दिन भर, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हो, करो गूगल, डिफरेंस पता करो। ठीक है, इसका शक्ल भी लगता है कि रील देखने वाला है। देखो आगे बढ़े, आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हम लोग। सब लोग बैलेंस शीट पहले अपने स्टार्ट करो, सब लोग अपने से बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करें एक बार। गलत सही बनाओ।
इसे लिख लें, पिछले साल का लिखा हुआ है तो कायदे लिखा नहीं है। बैलेंस शीट हम लोग किसकी बना रहे हैं, तो लिख लो यहां पर बैलेंस शीट ऑफ सुनीता लिमिटेड अमाउंट, यहां क्या हो गया okay. लिखोगे इधर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। इक्विटी लाइबिलिटीज में जब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले क्या आता है आपका, तो लिख लोगे शेयर होल्डर, ठीक है ना। फिर इसमें क्या आ जाता है सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल, तो आप ध्यान दोगे आपके पास कितने शेयर हैं, 330,000, 33,000 शेयर हैं। एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच, तो कितने रुपए के शेयर हैं आपके पास, 33,000। यहां तक बात क्लियर है सबको। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओगे आप लोग, रिजर्व सरप्लस में लिखोगे क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व लिखोगी, बहुत पिटाई होगा भी तुम्हारा। आ जाएगा हम लोग का, सबसे पहले लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, कितने के, 330,000। उसके बाद देखोगे फॉरेन प्रोजेक्ट, कितने का बच्चा, तो टोटल कितना आ गया ये लिख लो सब लोग यहां तक पहले। ध्यान रखोगे फिर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास किए थे ना, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व कितने का, डेबिट बैलेंस था ना, निगेटिव होगा, क्या आ गया ये, कोई दुख की बात, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो अमलगमेशन एडजस्टमेंट को एसेट साइड शो कर लो, ठीक है ना, आप चाहोगे एसेट साइड शो कर लो, चाहे माइनस ही करके दिखा लो, कोई दिक्कत। इस एंट्री में ध्यान रखोगे ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और डेबिट बैलेंस को आप एसेट में शो करते हो, और ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस को आप लाइबिलिटी में शो करते हो, और डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस सेम है, जीरो बैलेंस हो गया। आगे बढ़िए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं आपके पास, नॉन करेंट लाइबिलिटी में डिबेंचर दिया हुआ 8% डिबेंचर को किसमें कन्वर्ट कर दियो, कितने रुपए डिबेंचर हो गए, 6,00,000 का, क्लास में कोई 6 बोलने वाला नहीं, ये तो है बेटा, यहां तो टेक ओवर की हो ना, नई पुरानी कंपनी में हो, देखोगे इसके बाद यहां लिखोगे आप करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है,
ट्रेड पेबल कितने के हैं? 2 लाख प्लस टोटल लिख लोगे यहां पर 3 लाख रुपए, तो 6 3 9 37 9 कितना आ गया आपका, नोट कर लो पूरा लाइबिलिटी साइड। फिर आ जाएंगे हम लोग एसेट साइड में, तो भी कायदे पढ़ो, सर बैठ के बात करते रहते हो नालायक की तरह। लिख लो इसको, सब लोग काफी बदतमीज टाइप के होते हैं, चाहे जितना मना करो। ऊपर से आगे गाना सुन रहा है, एसेट्स में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले आ गया आपका नॉन करेंट, ठीक है भाई, में दिया हुआ है आपका फिक्स 15 लाख रुपए प्लस 10 लाख 80 हजार रुपए, टोटल कितना आ गया, 25 लाख 80 हजार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, करेंट एसेट, देखोगे इसमें दिया हुआ है आपका इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, और क्या क्या है बेटा ट्रेड रिसीवेबल के अलावा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इन्वेंट्री कितने की है, दोनों ऐड कर लो, 4 लाख 70 हजार प्लस 2 लाख 80 हजार, ठीक है, 7 लाख 50 हजार। ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, और 2 लाख का, टोटल 5 लाख इधर प्लस 1 लाख 40 हजार रुपये। ध्यान रखोगे इधर कितना आ गया, इधर कितना आ गया और इधर कितना आ गया, टोटल कितना आ गया ऐड कर लो, ये टोटल बैलेंस शीट है। क्या छूट गया है, ट्रेड यहां जर्नलिज्म नहीं रहेगा ना, बेवकूफ हो क्या, परचेज में हो गया भाई। यहां तक मर्जर में आ जाओ सब लोग, प्रांजलि सेकेंड मेथड पे आओ, सब लोग मर्जर अप्रेस करें, स्टार्ट करें, फटाफट चेक करें हम कॉपी। क्या ऊपर करें इसमें, क्या कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ो तुम, मेथड में रिजर्व आता है तब क्यों उसको देख रहे हो। बताएंगे भी नहीं बेटा, परेशान मत, हो
हो गया बेटा ये तुम्हारा, कहां तक खड़ी हो, ये कहां हो, जल्दी लिखो लिखो, बोलो मत, घर जाके दूसरे भी काम करने, इसको यहीं लिख के खत्म करो। आगे बढ़े फिर हम, आ जाते हम लोग अब। अगली एंट्री पर आ जाते हैं। हो गया ना सबका ये? फोर्टीन में लिखोगे सब लोग? इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी कौन सी है? मेथड हम लोग का कौन सा है? लिख लो सब लोग। पहला एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? जहां पर बिजनेस परचेज लिखा है वहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? तो लिखोगे यहां पर बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, टू लिक्विडेटर ऑफ सरिता लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ सविता लिमिटेड। यहां पर कितना, यहां पर कितना और यहां पर, नोट कर लो सब लोग साथ में फटाफट नोट करते रहो। चांस हो गया तुम्हारा, इतना बोल रहे सेम क्लास है। जी जी, आपको कोई तकलीफ? अब मिल गया क्या? अभी नहीं प्रिपेयर है क्या? 5 मिनट दिया जाएगा प्रिपेयर। चलो खड़ी जाओ, फिर करें तुमको। चलो इधर एसेट बताओ फटाफट।
एक बार देखोगे फिक्स एसेट्स कितने का टेक ओवर कर रहे हो। हाँ, 25,80,000। फिर टोटल करेंट एसेट एक साथ बता दो बेटा। चलो अच्छा लिख दे रहे, इन्वेंट्रीज 7,50,000 का, ट्रेड रिसीवेबल कितने के, 5,20,000। गांजा पियो क्या बेटा? गांजा मत पियो, पेपर आ गया। अगला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के, 3,40,000। फिर एक लाइन छोड़ने का, यहाँ पर आप लोग को लिखना है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने के, डिवेंचर कितने का, ₹6,00,000। वेरी गुड। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल यहाँ पर ऐड कर लोगे आप, जनरल रिजर्व को आप ऐड कर लेंगे यहाँ पर, है ना, मर्जर है ना, मर्जर में सारे दुख दर्द लेने हैं उसके। स्टेटमेंट आप पीएल चेक कर लो फटाफट, काहे चीज का एडजस्टमेंट करेंगी आप? क्या इसको नहीं लोगी? पढ़ी नहीं इसका मतलब तुम कायदे से, क्या कर दिए हो? अभी मैंने, चलो भाई आगे देखेंगे हम लोग। स्टेटमेंट आप पीएल चेक करो अपना अपना सब लोग। जर्नल इज देखो 3 लाख का है और 2,80,000 है, तो 5,80,000 हो गया। नहीं, ये स्टेटमेंट आप पीएल चेक करो, 3,20,000 का, तो क्या माइनस प्लस बता रहे? टू बिजनेस कितने के सर, टोटल करो भाई कितना आ रहा है सब लोग? बैठ जाओ प्रतिमा, नहीं थक जाओगी, पढ़ोगी फिर। चलो भाई, क्या नाम है, सुभित, सुभित शुक्ला खड़े जाएं, बताएं जनरल रिजर्व आ रहा है कि डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है? कान पकड़ खड़े रहो बेटा। तो चलिए आप प्रांजलि जी बताइए, अब क्या करने के लिए आप यहाँ आई हैं? पढ़ने के लिए आई हैं ना, ऐड करो खड़े होके। सत्यम, क्या बेटा क्या निकाला जाएगा? डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, कितना आ रहा है? जनरल रिजर्व कितना आ रहा है? 14,20,000। इधर अगर आप ऐड करोगे देखो कितना आ रहा है, 25,80,000 रुपये प्लस 7,50,000 रुपया प्लस 5,30,000 रुपया प्लस 3,40,000, ठीक है ना, 42 प्लस 14 20, 56,20,000 आ रहा है क्रेडिट में। देखो 6, 3, 9, 3, 12,20,000, 13, 13, 5, 18 लाख, ऐसे ही माइनस कर दो आप, यहाँ से माइनस कर दोगे 37 लाख रुपया। फिर ये दोनों देख लो बराबर है, ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड।
जो लोग खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं, बहुत बदतमीज टाइप के हैं, क्लास में बैठ के केवल नालायक ही पना। ए लड़की, ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक पढ़ो, कोई दिक्कत यहां तक? तीसरे में आ जाओगे तो क्या हो गया, जलिया वाला बाग बना दोगे क्या तुम लोग? का आंसर नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया? अभी बैठो भाई, सोभित तुम क्या खड़े हो भाई, उसी तुम्हारा आंसर नहीं आता क्या? एक बार में घर पर सोभी जी देखो एकदम, तो अगर तुम्हारी कॉपी चेक, आगे आगे बढ़े फिर, क्या गलत है? बैलेंस शीट बनाओ सब लोग, सब लोग बैलेंस शीट बनाए अपने से। बैलेंस बेटा बैलेंस शीट जल्दी बनाओ तुम लोग, किसी को ना बात समझ में आ रही हो बता दे। ऋषभ जी बता सकते हैं कुछ? सब समझ में आ रहा है आपके? काफी टैलेंटेड हो गए हैं आप। बना लो के बैलेंस शीट, छोड़ दें, कुछ करना नहीं है, बस रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। ठीक है बताओ भाई, तो भी बनवाएं कि छोड़ दें? कर लोगे ना? अपर्णा करवाएं छोड़ दें? संकोच नहीं करो, पेपर तुमको देना है हमको नहीं, फीस भी तुमने ही दिया, मैंने तो दिया नहीं है, बस मैंने तो लिया है फीस, कर लो चलो। आ नहीं रहा है ना, शकल देख के तुम लोगों का लग रहा है मुझको। जो प्रतिमा है चिल्ला चिल्ला के, तो क्यों ना चिल्लाती बेटा तुम? चलो आगे का कर लो, अपना तो करके बैठ गई हो, बाकी लोग को समझा दो। बताओ क्या चीज चैप्टर में ऐसी है? अब ये पूरा इतना बड़ा तुमसे पेपर में नहीं पूछेगा, एक ही टाइप पूछेगा ना, दोनों नहीं पूछेगा। तुम लोग सोते जाता हो, करते कुछ हो? क्या मैं मेरा टैब लेके जाओ तुम लोग, ये हमारा काम है टैब देना, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चलो आगे बढ़ो, छोड़ो।
तो भी जी खड़े हो जाएं, बैलेंस शीट बताएं। हाँ ये आपके सोभित जी, आपको बैलेंस शीट बताएं। अरे हम तो हैं ही। अरे बताओ बेटा, एसेट साइड तो कोई दिक्कत है नहीं, चेंज वन करना नहीं है। यहां तक चीजें ठीक है? यहां पर क्या लिख दे सबसे पहले हम लोग, कितने का? दोनों ऐड कर दो ना, 3,80,000 रुपये। कौन है ये 380 बता रहे? फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कितने का है? एक्चुअल ऐड कर लो सब। ऐड कर लो भाई लोग, सब लोग। आ जाओ यहां वर्किंग नोट में आ जाओ, दिखा रहे हैं। देखो यहां पर 14,20,000 आया ना बेटा, ये। अब अगर तुम देखो अपना यहां पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल और जनरल, जब कितना हो गया, 8,19,00,000 हो गया कि नहीं हो गया? तब इन दोनों को भी ऐड कर लो, 14,20,000 आ जाएगा। यहां से यहां तक ऐड कर लोगे पूरा रिजर्व, 14,20,000 मिले बटे सन्नाटा हो गया, जीरो। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो समझो, चलो इधर आओ। सारे रिजर्व को पहले इनर कॉलम में लिखो तो बताएं। ठीक है ना, यहां तक इन सब को ऐड कर लो, ऐड कर लो फटाफट। आ रहा है 14,20,000। लड़कियां बोल नहीं रही हैं, बस आपस में बात कर रही हैं लोग। जब तक पढ़ने बैठा करो आप लोग, केवल पढ़ाई ध्यान दो। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है आपकी। ऐड हो गया कि नहीं हो गया? डिवेंचर कितने का है? ट्रेड पेबल इन सबको अगर तुमने ऐड कर दिया, कितना आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? क्या करेंगे फिर आप? माइनस कर दो जो बैलेंस आ गया है तुम्हारा, ठीक है ना? जो डेबिट बैलेंस आ गया है उससे क्या कर दोगे आप? माइनस कर दो, ऑलरेडी बैलेंस शीट तुम्हारी बराबर हो जाएगी। बराबर है भी। हम्म,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्ट्रेचिंग रिजर्व दिखाना है, अगर आप स्ट्रेचिंग रिजर्व दिखाना चाहो तो क्या करोगे फिर, इन दोनों को यहां से हटाओ, ये आ गया ये। टोटल कितने का आ रहा है ये, 5,20,000 का। इन दोनों को तुमने ऐड किया कितना आ गया, 9 लाख रुपए, है कि नहीं। फिर यहां पर डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है कितने का है, माइनस कर दिए हो तो कितना आ गया ये, 5,20,000 निगेटिव बैलेंस। तो दोनों ऑप्शन है ना तुम्हारे पास, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, आपकी इच्छा। इधर टोटल कर लो, देखो कितना आ रहा है, 11,000 तक कोई समस्या बताए आप लोग, कि आपका सल्यूशन नंबर 3। बैठ जाओ करो, यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, सबको क्लियर है। सबसे पहले क्या किए, पीसी कैलकुलेट किए हम लोग, पीसी के बाद क्या किए, मर्जर वाला एंट्री किए हम लोग पहले, एंट्री तो क्लियर है ही तुमको। फिर तीनों एंट्री हो गई आपकी, फिर परचेज में एंट्री किया तुमने, 4 एंट्री हुई यहां पर, अमल कमीशन है जिसमें रिजर्व की एक बढ़ जाती है। बैलेंस शीट बना है तुम्हारा, ये किस केस में बना है, परचेज के केस। परचेज बेटा, परचेज अमल कमीशन जिसमें रिजर्व है ना। फिर इसके बाद हम लोग बनाए हैं ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम पूछ लो, ठीक है फिर, किसी ने पूछा ना, 1 घंटा लगाए हो तो क्या पूछोगे।